नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। वी विल स्मैश द बीजेपी एंड आरएसएस इनटू स्मिदरीन्स। वी विल स्मैश द बीजेपी एंड आरएसएस इनटू स्मिदरीन्स, ये कहना है युवराज फिरंगी पुत्र राहुल अउल नकली गांधी का, यानी कि पप्पू खान का। ये कहते हैं कि संघ द्वारा संचालित जो स्कूल हैं वो मदरसों जैसे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये जो बात इन्होंने कही है अंग्रेज़ी में, ये कही है आज इन्होंने तमिलनाडु में लोगों से मुखातिब होते हुए इन्होंने कहा। और दूसरा, इन्होंने ये भी कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव के साथ हमारा गठबंधन है, स्टालिन ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो डीएमके के प्रमुख हैं वही, जो अध्यक्ष हैं उसके, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और मेरा तो, इन्होंने एक ट्वीट करके या लोगों एएनआई को बयान दिया, उसमें ये भी कहा इन्होंने कि जब यहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री, यानी कि बीजेपी के प्रधानमंत्री के जब पैर छूते हैं तो मेरा दिल एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ये स्वीकृति नहीं दे पाता कि कोई मुख्यमंत्री या कोई भी आदमी पैर कैसे छू रहा है। तो राहुल नकली गांधी, विनम्र निवेदन के साथ आपको बताना चाहती हूँ, अब आपको कह रही हूँ, बहुत इज्जत दे रही हूँ भाई, इतनी इज्जत के तुम हकदार नहीं हो। देखो, मैं जानती हूँ, एक तो तुम्हारा पहले ही आईक्यू लेवल कम है, दूसरा तुम भारतीय पूर्णता हो नहीं, फ्रंगी रक्त है और सनातनी तो तुम हो ही नहीं, ठीक है ना। पहले भी क्या कहा था, फिरोज जहांगीर खान जिनको गैंडी बना दिया गया, गंद बेचने वाले थे, इसलिए उनके तुम हो क्या पोते। और जो नाना जी हैं उनका नाम है स्टीफन माइनो, जो कि जेल में बंद थे। तुम्हारी माँ पता नहीं कब पैदा होगी, कैसे पैदा होगी, वो भी मुझे नहीं मालूम, चलो जिसकी भी थी। अब आती है बात हिंदू संस्कारों की, किसी ने तुम्हारे वहाँ जनेब बाहर पहन लिया, ऐसे तो गधे रहे तुम लोग, ठीक है ना। हमारे सनातन में कोई भी बड़ा होता है, जाति नहीं देखी जाती, वो हमसे बुजुर्ग है तो हम उसके पैर छूते हैं क्योंकि वो हमारे बड़े होते हैं, ठीक है, नतमस्तक होते हैं। प्रधानमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी पैर छूते हैं क्योंकि वो उनसे बड़े हैं, या अकाली दल के जो बादल हैं उनके पैर छूते हैं, तो इसमें क्या हो गया। और हाँ, एक बात याद आई मुझे, तुम्हारे जो वो थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो सामने खड़े हुए थे, उनकी उम्र कितनी है, 90 प्लस है या 89 प्लस है, आई थिंक 90 प्लस है, लेट्स से 90 प्लस। तो वो खड़े हुए थे, वो बैठे हुए थे और तुम भी थे, एक आदमी ने तुम्हारे पैर छुए और तुमने उसको मना भी नहीं करा। पांडिचेरी के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने तुम्हारी चप्पल उठाई तो तुमने उनको मना नहीं करा। तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगा क्योंकि इतने बड़े उम्र के लोग तुम्हारे पैर छू रहे हैं और तुम उनको छूने दे रहे हो। तुम तो पहली बात, जिसको सनातन के संस्कार नहीं मालूम उसके पैर क्या छूने, दूसरी बात छोटे पैर छूते हैं, बड़े पैर नहीं छूते। एक होती है पद की गरिमा, अगर मुझे राष्ट्रपति दिख जाए या प्रधानमंत्री दिख जाए तो मैं ये नहीं देखूंगी कि एक ओबीसी से आता है या एक मेरे वाल्मीकि हिंदू है, मैं दोनों के पैर छूंगी क्योंकि दोनों मुझसे बड़े हैं, दोनों मेरे पिता समान हैं, समझे। हाथ लगाया जाता है, हाथ को यहाँ लगाया जाता है, राहुल गांधी पैरों को ऐसे हाथ लगा के, ऐसे हाथ लगाते हैं और ऐसे छूते हैं, सर पे ऐसे करते हैं कि हम भी इनकी तरह बन जाएं, ऐसे समझे, नतमस्तक हुआ जाता है, नमस्कार करते हैं, ऐसे झुकते हैं या ऐसे सर झुकाते हैं, इस तरह से करा जाता है। भगवान के आगे ये इस चक्र पे हाथ लगाते हैं, ये हमारे संस्कार है राहुल गांधी, इंसान को नमस्कार नाहत चक्र पे ऐसे हाथ रखते हुए, ये अब इस चक्र को क्या बोलते हैं मैं भूल रही, यहाँ पर हाथ रखते हुए भगवान को यूं हाथ रख के। कई लोग गलत बताते हैं कि हाथ कैसे जोड़ने हैं भगवान को, भगवान को कभी ऐसे हाथ नहीं जोड़े जाते, भगवान को ऐसे जोड़े जाते हैं, अपने इंसानों को ऐसे जोड़े जाते हैं यहाँ पर दिल के बीच में, यहाँ पर, ये हमारे संस्कार है, पैर छुए जाते हैं लोगों के, ये हमारे संस्कार है। तुम क्या जानो संस्कार, तुम्हारे वहां तो गले भी लगते हैं और कोरोना भी सर आते हैं,
तुम्हारे वहां तो आदाब भी करते हैं, हमारे वहां हाथ जोड़ते हैं, हमारे वहां पैर छूते हैं। और प्रधानमंत्री इतनी, कभी ये भी तो कह देते कि ये आदमी किस तरह का मूर्ख है मुझे समझ में नहीं आता। कहता है कि तमिलनाडु को तमिलनाडु से चलना चाहिए, केंद्र से नहीं चलना चाहिए। अरे गधे व्यक्ति, अगर गठबंधन होता है सरकार का तो निर्देश वो भले ही अपने अपने सुझाव, जो केंद्र है उनको सुझाव देगा। क्यों, अगर बीजेपी के साथ किसी सरकार का गठबंधन है और वो अगर किसी राज्य में उनका गठबंधन है तो वो केंद्र से सजेशन लेंगे, क्योंकि भाई केंद्र से उसका हस्तक्षेप थोड़ा बहुत रहेगा। ये कैसा आदमी है भाई? अगर तेरे तेरे पास अगर पावर या सत्ता होती, वो हालांकि आने वाले नहीं है, तू मर भी जाएगा तभी भी नहीं, क्योंकि तेरे जैसे मूर्ख को इतने भी गधे भारत की जनता नहीं है जो तेरे जैसे गधे को चुनेंगे। लेकिन अगर तेरे जैसे, तेरी माँ सोनिया गांधी पपिट की तरह वो मनमोहन सिंह को चलाती थी, ऐसे नहीं चलाते। वो अपने सुझाव देता है केंद्र, और कहता है कि तमिलनाडु तमिलनाडु से चले। अरे क्या तमिलनाडु को पकड़ के रखा है क्या? क्या उनको काम नहीं करने देते? हर ये भारत के प्रधानमंत्री जो हैं सबको इंडिपेंडेंट करके रखते हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन हाँ जैसे स्कूल का प्रिंसिपल देखता है वैसे जांच करते हैं। तू क्या जाने सरकार, तुझे आज तक, तुझे तुझे एक बार बता, तू कभी राहुल गांधी, तू कभी कभी मेहनत से लड़के इलेक्शन लड़के आए हैं? कभी अपने खानदान के नाम पे, कभी गांधी के नाम पे तूने मलाई चखी? उसके बाद 15 साल से जहां से सांसद रहा वहां के लोगों पे जूते मार आया तू, केरला पे जाके वहां पर कहा है कि उनका IQ लेवल है ही नहीं और वो होशियार है ही नहीं। क्योंकि ते हाँ कैसे होते होशियार, अमेठी के लोग होशियार होते तो तेरे जैसे मूर्ख को चुनते क्या? बरेली के लोग होशियार होते, बरेली के, तो तेरी वो जो माँ है विदेशी महिला उसको चुनते क्या? इतने सालों से गुलाम रह के भी मुझे खेद है कि हमारे लोगों के मनों में अभी तक गुलामी नहीं गई है जो तेरी माँ को चुनते हैं। और मैं शर्त लगा के कह रही हूँ, मैं रायबरेली के भाइयों से माफी मांगती हूँ, बस एक बात कह रही हूँ, जिसका बेटा 15 साल तक, 15 साल से अमेठी में सांसद रहा और उस अमेठी के लोगों पे इसने जूते चलाए, कहाँ पर मुंह से जूते मारे, बिन मारे ही जूते मार दिए, केरला पे ये कह दिया कि जो यहाँ के लोग हैं, मैं नॉर्थ में सांसद रहा हूँ लेकिन यहाँ के लोग बड़े होशियार हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इनको पॉलिटिक्स पता है, इनको मुद्दे पता है कैसे मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं। ये जूते मारा है बिना कह के उन लोगों को, गाली दिया जिन लोगों ने इनको चुना, जिन्होंने इसको वोट दे के चुना था, इसके खानदान की इज्जत करते हुए। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जो उसकी माँ को चुन रहे हैं ना, कभी ये हार गई और कहीं और जाके सीट लड़ेगी जहाँ पर ज़्यादा जमात किसी और की होगी, 90% जहाँ जमात वोट देने वाली इसको दे देगी, इसकी माँ को, तो उस दिन ये भी कहेगी कि मैंने मैंने वहाँ बहुत दिन तक लड़ा, मुझे उतना मज़ा वहाँ नहीं आया जितना मज़ा मुझे यहाँ आ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं, वहाँ के तेज़ हैं। ये किसी दिन ऐसा भी बोलेंगे, आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अपने मताधिकार का उपयोग करें, और आपको जब भी वोट देने का मौका मिले, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, क्योंकि चाहे कैसी भी हो देश के साथ गद्दारी नहीं करेगी। जो लोग सनातन को मानते हैं और सनातन का एक व्यापक रूप देख के चलते हैं और सर्वधर्म संभाव की भावना रखते हैं, लेकिन अपने सनातन की इज्जत करते हैं और किसी की अपीजमेंट नहीं करते, ऐसे लोगों को ही चुनना चाहिए, ऐसे लोगों को ही अपने लिए लाना चाहिए। काम जिसने नहीं करना, इसने भी नहीं करना, उसने भी नहीं करना, लेकिन अपना ही आदमी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे इनको अपना दरोगा, अपना SP चाहिए होता है और ये उसके साथ गैरकानूनी काम करते हैं, लेकिन हमारा आदमी कभी भी गैरकानूनी काम नहीं करता, क्योंकि जिसका देश है उसको कब्जा करने की या देश के साथ दुश्मन गद्दारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश है, हम यहाँ के नागरिक हैं, हम यहाँ के खून से हैं और सनातन रक्त है हमारा, हम उस सनातन की धरती से हैं, हम उसको धरा की इज्जत करते हैं, हमारे लिए हमारी भूमि हमारी माँ है। तो ये क्या जाने फिरंगी, सही कहा है चाणक्य ने, कभी भी एक फिरंगी औरत से जन्मा व्यक्ति कभी भी शासन करने योग्य नहीं होता, क्योंकि वो ना कभी इधर का हो पाता है पूर्णता, ना कभी उधर का, उसके वो देश के साथ वो महसूस ही नहीं कर सकता, वो उसके अंदर भावना ही जागृत नहीं हो सकती, ना वो धर्म को लेकर ना वहाँ के संस्कारों को लेकर।
इसलिए ये क्या जाने सनातन संस्कार जो बड़ी बड़ी बातें करता है ये कि पैर छूते हुए जब मैं देखता हूँ टीवी पर या लोगों को मुझे बड़ा बुरा लगता है, और जो तेरे पैर इतने बुढ़े बुढ़े लोग छूते हैं मुझे बड़ा बुरा लगता है, मेरा मन करता है उठूं और दो झापड़ मारूं तुझे खींच कर, लेकिन क्या करूं तू बुजुर्ग है हमारा बड़ा है इसलिए नहीं कर सकती, ये हमारे संस्कार हैं, ठीक है ना। कह रही हूँ क्योंकि दिल में है, अब कहने के लिए तो आज़ादी है, लोग तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह 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 करते हैं, मैं तो फिर भी यही बात कह रही हूँ कि एक फिरंगी महिला के पुत्र को मैं थप्पड़ मारना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे देश की बेइज्जती हर विश्व के वैश्विक पटल पे करवाता है, यहाँ से सिंगापुर जाता है, यहाँ से विदेश में कॉन्फ्रेंस करता है और हमारे भारत की बुराई करता है। वो ये भूल जाता है कि वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री का जब अपमान कर रहा है तो 60% जो जनता है जिसने उनको चुन के भेजा है, 60% या 70% जो जनता है जिन्होंने उनको चुन के भेजा है वोट देकर, मुझे पता है किसने वोट दिया है, जिसके लिए स्कीम निकालते हैं उन्होंने वोट नहीं दिया है, उनको वोट सनातनियों ने दिया है, जिन सनातनियों ने उनको वोट दिया है उस मेजॉरिटी ऑफ पीपल की वो डिसरिस्पेक्ट करता है। ये आदमी राहुल डिवेंसी डिसरिस्पेक्ट करता है हमारे प्रधानमंत्री की, और हमारे प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री होते हैं तो वो सिर्फ एक पार्टी के नहीं होते, वो सबके सर्वदलीय चुने हुए नेता होते हैं, समझे। जैसे राष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति राष्ट्र के होते हैं और भारत के बाहर भी राष्ट्रपति ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति, भारत गणतंत्र के गणराज्य के राष्ट्रपति जब कहा जाता है तो रिपब्लिक प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया जब कहा जाता है तो वो भारत के होते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, वो भाजपा से चुने हुए या कांग्रेस से चुने हुए नहीं होते। इतना तो गंदा कभी हमने मनमोहन सिंह जी को भी नहीं बोला, हाँ जितना तुम उनको बोलते हो, शर्म कर लो थोड़ी, और जाओ जो भी तुम्हारे विदेशी संस्कार है लेकिन भारत में अगर रहते हो तो भारत की जो व्यवस्था है जो संस्कार है उससे चलो। मैं जानती हूँ तुम भी अम्मा खालू वाले हो लेकिन थोड़ी शर्म कर लो, ठीक है ना। तुम्हारी तरह प्राइवेट पार्टीज में या प्राइवेटली गायब नहीं हो जाते, चुपचाप से इटली इटली में रोम में रोमांस करने नहीं चले जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, काम से जाते हैं, इस उम्र में भी काम करते हैं, और तुम इस उम्र में भी वो करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम हो वोकेशनल पॉलिटिशियन यानी कि मौसमी नेता, और मौसमी नेता से और सांप से, दोनों से लोगों को बच के रहना चाहिए, दोनों ही मौका परस्त होते हैं, जब मौका मिलेगा तब डस लेंगे, वैसे ही तुम हो। इतने इतने दिनों से जो तुम्हारी बहन सरकारी बंगले में थी 35 लाख्स का, तुम लोग 10 कदम की दूरी पर दो दो बंगले यूज कर रहे थे, हाँ उसका किराया जो जा रहा था सरकार की पॉकेट से वो खाली करने पे जो तुमने छठी का दूध याद दिलाया, या तुम्हारी बहन ने अभी तक खाली करा या नहीं मुझे नहीं मालूम है, मुझे याद नहीं है, लेकिन कितने तुमने आड़ी तिरछी का जोर लगा लिया, तुमने सोचा हम तो गांधी हैं, वो गांधी नकली नाम रख के गांधी हैं, हमें तो कोई निकाल नहीं सकता, तुम्हारे संस्कार कहाँ हैं। इसलिए आइंदा से ये अपने जाहिल मुंह को खोलो तो सुनो एक बात, और जो संघ के स्कूल होते हैं ना वो केंद्र से या राज्य से संचालित होते हैं, जो तुम कंपैरिजन करते हो जो बार बार कहते हो, और वही जो मदरसा होता है, आज मैं तुम्हें दूसरे पॉइंट पे बात कर रही हूँ, वो उसका जरूरी नहीं है कि वो केंद्र से संचालित हो या राज्य से संचालित हो, उसकी अपनी एक मदरसे की अपनी इस्लामिक व्यवस्था होती है जिसको अब मुख्य धारा से जोड़ना शुरू किया जा रहा है, वो बाध्य नहीं अभी भी, ठीक है ना, संबद्ध नहीं अभी भी वो, इसलिए जरा होश में आओ, थोड़ा अनपढ़ गंवारों की तरह बातें कम करा करो, अपनी जो नकली डिग्री दिखाते हो उसी का थोड़ा ख्याल कर लिया करो और मुंह जरा ढंग से खुला करो। मैं जानती हूँ कि तुम सनातनी नहीं हो, ना ही तुम सनातनी हो, ना ही तुम पूर्णतः भारतीय हो, ना ही कैसे हो गए तुम भारतीय, तुम्हारा जो दादा था वो ईरान से आया था, ठीक है, अब ये भी नहीं कह सकते कि पहले वो हमारा पार्ट था, नहीं, जो संस्कृति है वो बदल चुकी थी ना, क्योंकि संस्कृति तो तुम्हारे जो झल्ला भुल्ला अकबर वाले हैं वो लोग संस्कृति सबसे पहले बदलते हैं चीज़ों को जला के, तो वो तो ईरान से आया था, तुम्हारे जो नाना हैं वो ऑब्वियसली इटली से हैं, तो तुम यहाँ के तो हो नहीं, तुम क्या जानो, खाली नाटक करने से नहीं हो जाता है, अब तुम कितने भी फिरंगी हो और तुम यहाँ पर रह रहे हो, जब तुम मानते ही नहीं हो तो तुम कैसे तुम्हें माना जाए, ठीक है ना। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार कहा था कि जब मंदिरों में जाता है तो अपने घर के ऑल्टर यानी कि एक छोटा जो चर्च बनाते हैं उसको ऑल्टर कहते हैं घर पे, उस ऑल्टर पे आके तुम माफ़ी मांग लेते हो, है ना, पानी छिड़क के माफ़ी मांग लेते हो, सब मालूम है मुझे, मैं भी कॉन्वेंट से पहले स्टार्टिंग में पढ़ी हूँ तो मुझे पता है क्या करते हो तुम लोग,
खूब बाइबल पढ़ी है तुम्हारी, सब पता है मुझे, और बचपन से सारी चीज़ें देखी है मैंने, ये नमाज देखी है तुम्हारी, है ये तुम्हारी बाइबल देखी है मैंने। मुझे हंसी आती थी, मैं छोटी बच्ची थी, मैं सोचती थी ये क्या सात आसमानों की बात करते हैं। हमारे वहाँ कोई कोई किसी का बाप, कोई मैसेंजर पैदा नहीं हो रहा, हमारे वहाँ डायरेक्ट भगवान है, भगवान है, भगवान के बच्चे हैं, वो भी भगवान है, अवतार है। तुम्हारी तरह नहीं है कोई मैसेंजर आ रहा है, कोई पैगंबर आ रहा है, कोई गॉड का लड़का आ रहा है, कोई बिन माँ के पैदा हो जा रहा है, नहीं नहीं हमारे वहाँ अवतार लेते हैं तो मरते भी हैं, और एक मनुष्य अच्छे काम करता है तो अपने कर्म के हिसाब से भी बन जाता है। खैर तुम क्या जानो राहुल गांधी संस्कार क्या होते हैं, लेकिन आइंदा से कभी इस तरह की घटिया टिप्पणी मत करना, क्योंकि तुम सनातनी नहीं हो, तुम सनातन संस्कार नहीं जान सकते। मुझे अगर मेरे बड़े मिलते हैं, अगर मान लो मेरे फादर ने एक बात कही कि अगर मेरी मेरे दोस्तों से लड़ाई हो जाए तो तुम नमस्ते करना मत छोड़ना, तुम पैर छूना मत छोड़ना, क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम्हारा बड़ों की लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ अगर उन्होंने मेरे परिवार में बहुत अपशब्द बक दिए हैं तो शायद तब एक दिल को चुप जाए, लेकिन अगर हल्की फुल्की लड़ाई है तो हम उनके पैर छूना बंद नहीं करते, क्योंकि हमारे संस्कार हैं, वो हमारे बड़े हैं। इसीलिए राहुल गांधी संस्कार सीखो, संस्कारहीन होना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि तुम भारत में रहते हो, कभी कभार तुम विदेश भी जाते हो अपने रंग रंगलियाँ बनाने, गुलछर्रे उड़ाने, वो तुम्हारी एक प्राइवेट लाइफ है, वो अलग है, लेकिन जब तक तुम पब्लिक लाइफ में जुड़े हुए हो तो वहाँ पर प्राइवेट लाइफ ख़त्म हो जाती है। अगर मैं किसी पद में हूँ तो मुझे अपनी पद की गरिमा का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने लोगों का नेतृत्व कर रही हूँगी, प्रतिनिधित्व कर रही हूँगी, तो मुझे अपने लोगों को देखते हुए बात करनी होगी। उस वक्त मैं सब लोगों की हूँगी, जब मैं सब लोगों की हूँगी तो योगी आदित्यनाथ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पहले वो अपने ही धर्म के लोगों की बात करते थे, लेकिन आज वो सबको साथ लेकर चलते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं औरों के त्यौहार क्यों बनाऊँ, लेकिन क्योंकि मैं मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का हूँ, और अगर अपने त्यौहार बनाते हैं तो हम उनका साथ देते हैं, वो ढकोसला नहीं करते। और इसी ढकोसले को मैं भी मना करती हूँ कि भाई आप अपना त्यौहार बनाइए, ये अपना त्यौहार बनाइए, ये अपना त्यौहार बनाए, लेकिन हम ढकोसला नहीं करते, सबका सम्मान लेकिन ढकोसला नहीं, जो देश के साथ उसके साथ हम। लेकिन इस तरह की जो हरकतें तुम करते हो राहुल गांधी, ये सीखो इन अच्छे लोगों से, अपनी जबान को नेक्स्ट टाइम से लगाम दो। सभी कहते हैं कि बुढ़ा बच्चा है, वैसे ही तुम्हारे साथ लोग सामने से बोलने लग जाएंगे, तुम्हें बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। इसी संदेश के साथ दोस्तों अपनी राय रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।